सहारनपुर में आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महानगर इकाई द्वारा 1 मई अस्थमा दिवस की पूर्व संध्या पर अस्थमा से बचाव के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव मिगलानी, महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महानगर महामंत्री सुरेंद्र मोहन चावला द्वारा किया गया, जिसमें व्यापारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजीव मिलानी ने कहा कि व्यापार मंडल द्वारा अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी पर व्यापारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो अस्थमा पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है वह सराहनीय है। वहीं डॉक्टर मिलानी ने बताया कि वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाएगा। इस समय पूरे विश्व में लगभग 31 करोड़ अस्थमा के पेशेंट, सिर्फ हमारे भारत में ही 3.25 करोड़ अस्थमा के पेशेंट, जो हर 20 बच्चे पैदा होने वाले बच्चों में से एक बच्चा अस्थमा से पीड़ित है। अस्थमा का मुख्य कारण हेरिडिटी, प्रदूषण, परफ्यूम, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कारों से या बाइक से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे बचा जा सकता है यदि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। यदि आपके आस पास किसी को बार बार खांसी होती हो, बार बार नजला रहता हो और नजले का आराम नहीं आता है, रात में छोटे समय सांस फूलता हो, सीटी बजती हो और पारिवारिक हिस्ट्री हो, तो उसको अपने आस पास किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा के उसका इलाज करना। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज यहाँ डॉक्टर संजीव मिगलानी को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कल 1 तारीख को, 2 तारीख को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाएगा और व्यापार मंडल हमेशा से ही कोशिश करता है कि स्वास्थ्य के प्रति आम आदमी को और व्यापारियों को जागरूक किया जाए और जिस तरह की ज़रूरतें व्यापारी को चिकित्सा संबंधित होती हैं उसके संदर्भ में इस तरह की गोष्ठियां करके व्यापारियों को जागरूक करने का काम किया जाता है। व्यापार मंडल का उद्देश्य केवल आंदोलन करना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, जिसमें स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से व्यापार भी उस तरह से नहीं कर सकता, तो उसी संदर्भ में आज की गोष्ठी का आयोजन किया गया है।